हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बबली किचन। आज हम साबूदाने की खिली खिली खिचड़ी बनाएंगे। ये खाने में बहुत चटपटी और स्वादिष्ट बनती है और इसको लोग व्रत में खाते हैं। चलिए देखते हैं इसको हम कैसे बनाते हैं। साबूदाने की खिचड़ी बनाने के लिए हम आधा कप साबूदाना लेंगे। साबूदाने के अंदर स्टार्च बहुत होती है, इसलिए इसको सबसे पहले हमें 2-3 बार अच्छी तरह से मसल के धोना है। ये देखिए, हमने इसको 3-4 बार मसल के धो लिया है, जब तक इसका पानी बिल्कुल साफ़ ना आ जाए। ये हमने धो के पानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब हम ये पानी निकाल देंगे और इसके अंदर हम आधा कप हमारा अगर साबूदाना है तो हम इसमें आधा कप से थोड़ा सा कम पानी डालेंगे। थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, आधा इंच पानी ऊपर होना चाहिए। बस इतना पानी हमने डालना है और इसको हमने 5-6 घंटे के लिए भिगो के रख देना है, तभी आपकी खिचड़ी खिली खिली बनेगी। ज़्यादा पानी नहीं डालना इसमें। अब हमने ये देखिए, पानी में 5-6 घंटे के बाद हमने इसको देखा तो हमारा साबूदाना काफ़ी फूल चुका था। तो अगर हमें शक हो कि इसमें कहीं पानी तो नहीं है तो हमें इसको एक छन्नी में छान लेना है, ताकि इसमें से अगर कोई पानी एक्स्ट्रा है तो वो निकल जाए। ये हमने छन्नी में से पानी निकाल लिया, इसका पानी बिल्कुल नहीं निकला। और अब हम इसको प्लेट के अंदर थोड़ा सा फैला के पंखे के नीचे रख देंगे, ताकि इसके अंदर अगर थोड़ा बहुत अगर आपको लगे कि कोई गीलापन या मॉइस्चर है वो निकल जाए। तो ये देखिए, अब ये कितना खिला खिला हमारा साबूदाना भीग के तैयार हुआ है। अब हम इसको 10-15 मिनट के लिए अभी साइड पे पंखे के नीचे रख लेते हैं, तब तक हम और तैयारी करते हैं। अब हम एक पैन लेंगे और उसको गैस ऑन करके उसको गर्म करेंगे और एक करछी भर के हम इसमें मूंगफली को ड्राई रोस्ट कर लेंगे, जब तक ये फूटने ना शुरू हो जाए, इसका छिलका ना उतरना शुरू हो जाए। ड्राई रोस्ट करने के बाद इसको ठंडा कर लें और इस तरह से उसके छिलके उतार लें, सारे छिलके उतार लें, और फिर इसको मिक्सी में दरदरा पीस लें। अब हम जो हमने साबूदाना प्लेट में डाल के रखा था उसके अंदर हम 5-6 चम्मच जो है टीस्पून हम मूंगफली के पाउडर डाल देंगे जो दरदरा पीसा था, ताकि इसको मिक्स कर लें, ताकि इसके अंदर कोई मॉइस्चर या कुछ है तो वो सारा मूंगफली जो है इसको सोख कर लेगी। अब इसको एक साइड पे रख देंगे और इसके अंदर हम बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालते हैं। 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच काली मिर्च और 10-15 कड़ी पत्ता लिए हैं। इसमें डालने के लिए और हमने 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा जिसको कद्दूकस कर लिया है, 1 हरी मिर्च, हरी मिर्च को भी बारीक बारीक काट लिया, और 1 छोटा आलू था, आलू बॉयल आलू था, उसको हमने इस तरह छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है, 1 टेबलस्पून हरा धनिया, धनिया को धो के साफ करके रख लिया है, 1 नींबू उसका रस निकाल लिया है। अब हम एक पैन में थोड़ा सा देसी घी में बनाएंगे, 2 चम्मच देसी घी डाल देंगे और उसके अंदर जीरा डाल के इसको थोड़ा सा भून लेंगे और अदरक हरी मिर्चें डाल के इसको फ्राई कर लेंगे। जैसे ही थोड़ा सा अदरक फ्राई हो जाए तो इसके अंदर कड़ी पत्ता डाल देंगे। ये कड़ी पत्ता हमारे थोड़े से सूख गए हैं, कल के निकाले हुए थे, और इसमें आलू डाल के उसको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा घी के अंदर भून लेंगे, इससे आलूओं का टेस्ट बढ़िया आ जाता है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, नमक सेंधा नमक यूज़ करें अगर आपने व्रत में खाना है। ये हमने सेंधा नमक डाला है इसमें, ये अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं घी में। अब हम इसमें जो साबूदाना था जिसमें हमने मूंगफली डाली हुई थी वो उसको खिलार के डालेंगे, फैला के डालेंगे इसमें, इसको फैला के अच्छी तरह से डाल देंगे ताकि ये चिपके ना एक दूसरे के साथ। ये देखिए कितनी खिली खिली हमारी साबूदाना है। अब हम इसमें काली मिर्च और जो थोड़ा सा नमक हमने रखा था नमक डाल देंगे और इसको हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, जब तक हमारा साबूदाना ट्रांसपेरेंट ना हो जाए।
तब तक हमने इसको सिर्फ पकाना है। अच्छी तरह से इसको मीडियम फ्लेम पे हमने इस तरह से भून लेना है घी के अंदर। अब हम इसमें हमने थोड़े से 10-15 दाने मूंगफली के फ्राई किए थे, वो मूंगफली के दाने हम इसमें डाल देंगे। इसमें टेस्ट बढ़िया आता है। और ये नींबू, एक नींबू का रस निकाला था, इसको भी हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए धीरे धीरे हमारे साबूदाना जो है वो ट्रांसपेरेंट होने लग गया है, मतलब हमारा खिचड़ी जो है बिल्कुल पक के तैयार हो गई है। गैस को हम बंद कर देंगे, लेकिन पैन गर्म है इसलिए इसको थोड़ा हिलाते रहेंगे। खिचड़ी के ऊपर हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, धनिए का भी खुशबू बड़ी अच्छी और टेस्ट भी बढ़िया आता है। और इसको इसी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। ये साबूदाने की खिचड़ी या कोई भी आप अगर पकाते हैं इसकी चीज़, तो इसका निशानी है कि ये साबूदाना जो है वो ट्रांसपेरेंट होने लग जाता है, मतलब हमारी खिचड़ी या जो भी आप रेसिपी डाल रहे हैं वो पक गई है। ये देखिए हमारा साबूदाना ट्रांसपेरेंट हो गया है, इसका मतलब हमारी साबूदाने की खिचड़ी बनके तैयार हो गई है। अब हम इसको गर्मा गर्म परोसेंगे इस तरह से। ये देखिए कितनी खिली खिली खिचड़ी बनी है हमारी, कितनी बढ़िया खिचड़ी बनके तैयार हुई है और इसकी खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रही है। आप इसको व्रत में बनाएं और इसको खाएं, इससे आपका पेट भी काफ़ी अच्छा फिल रहता है, भरा रहता है। ये देखिए अगर आपको मेरी साबूदाने की खिचड़ी की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने व्यूज़ मेरे साथ शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन क्लिक करना ना भूलें। राइट हैंड पे बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके, और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट रेसिपी में फिर मिलते हैं।